गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली ठीक होंगे, कैरियर से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10, 30, 80, 180, 680, 1680, 1680 हैं 1680, 75। ये क्या हिसाब किताब हुआ, कहीं ये नोट जाली तो नहीं, कहीं आप भी इस कश्मकश का शिकार तो नहीं हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर एक 75 रुपए का नोट जारी किया है। बहुत सारे दुकानदार इस नोट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहीं ये कोई जाली नोट है या फिर पता नहीं क्या मामला है। पचहत्तर के इस न्यू नोट में कुछ मुनफरिद पहलू हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ग्रीन कलर का नोट है, इसमें चार तस्वीरें बनी हुई हैं। इसमें इलामा इकबाल की तस्वीर बनी हुई है, कायद आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीर है, फातिमा जना की तस्वीर है, सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर है। इसमें ये जो कॉर्नर पे 75 लिखा हुआ है, इसे आप देखेंगे ये थोड़ा उभरा हुआ है। इसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेड है सिल्वर कलर की। इसको अगर आप रोशनी में देखेंगे तो आपको यहाँ 75 लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे ये जो उर्दू में 75 लिखा हुआ है, इसे आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसमें छोटा छोटा 75 75 75 लिखा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक लोगो बनाया हुआ है जिस पर 75 लिखा हुआ है और इसके नीचे आज़ादी का 75वां साल लिखा हुआ है। इस नोट की पिछली तरफ मारखोर और दियोदर की कंबाइन तस्वीर बनी हुई है। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर और दियोदर पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। और यहाँ पर एक फिक्रा लिखा हुआ है, सेविंग क्लाइमेट्स एंड स्पेशीज, क्योंकि पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज की भारी रकम अदा की है सैलाब और जलजले की सूरत में। ये एक पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। यहाँ पर एक लाइट से कायद अजम की पिक बनी हुई है और ये तब नज़र आती है जब इसे रोशनी की तरफ देखा जाए। तो जी ये है आपका नया 75 रुपए का नोट। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की भी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें। और जब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।